बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब रोज़ाना की बुनियाद पर स्कूल का काम कर रहे होंगे। हमद, आज का उनवान है हमद। हमद के सबक में हमने हमद की पहले रीडिंग पढ़ी, फिर उसके बाद गलत दुरुस्त, फिर उसके बाद हरूफ को जोड़कर लफ्ज़ बनाए, फिर उसके बाद हरूफ को अलहदा करना, उसके बाद सवालात, और आज हम हमद का बकिया हिस्सा पढ़ेंगे, सवाल नंबर 7 और सवाल नंबर 8। प्यारे बच्चों, अपनी किताब का सफ़ा नंबर 17 निकालें। यहाँ पर सबसे पहले दिया हुआ है, हम अल्लाह ताला की बनाई हुई कौन सी चीज़ों के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते हैं? कोई सी तीन चीज़ों के नाम बताएं। हम अल्लाह की बनाई हुई कौन सी चीज़ों के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते? कोई सी तीन के नाम बताएं। आगे चलते हैं, आपको मैं यहाँ तस्वीरों से ज़ाहिर मैं आपको पहले बताती हूँ प्यारे बच्चों, कि यहाँ पे पानी, पानी के बगैर कोई भी जानदार पानी ज़िंदा नहीं रह सकता। यहाँ पे देखिए, हम भी पानी के बगैर पिए बगैर हम ज़िंदा नहीं रह सकते, ना कि पौधे ज़िंदा रह सकते हैं। उसके बाद है खुराक। खुराक में रोटी, अनाज, गंदम, चावल, यानी कि जो भी खाने पीने की चीज़ें हैं उनके बगैर हम ज़िंदा नहीं रह सकते हैं। उसके बाद है हवा। हवा एक ऐसी चीज़ है जिसके बगैर हम एक लम्हा भी सांस नहीं ले सकते हैं। हवा के बगैर ज़िंदगी मुमकिन नहीं है। हवा, इसके बाद है घर का काम। मैंने आपको तैयार करके बताया है कि आपने कैसे इसको रेडी करना है, उसके लिए हमद अनवान लिखा, सवाल नंबर 7। प्यारे बच्चों, अब मैं आपको इसमें से पढ़ना सिखाती हूँ पहले, कि हम अल्लाह की बनाई हुई कौन सी चीज़ों के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते। हम अल्लाह की बनाई हुई कौन सी चीज़ों के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते? कोई सी तीन चीज़ों के नाम कॉपी पर लिखें। हम अल्लाह की बनाई हुई कौन सी चीज़ों के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते? कोई सी तीन चीज़ों के नाम कॉपी पर लिखें। सबसे पहले बच्चों को इसका ना तोड़ करके, आप लोग बच्चे, प्यारे बच्चों, आपने तोड़ करना। पेल पा नू छुटिए नी पानी, पानी पानी के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। पेल पा नू छुटिए नी पानी, पेल पा नू छुटिए नी पानी। उसके बाद है खुराक। खेवा को रेल फरा काफसा की खुराक, खेवा को रेल फरा काफसा की खुराक। उसके बाद है हवा। हे जबर वाओ लिखवा हवा, हवा हवा, पानी खुराक हवा, पानी खुराक हवा, पानी खुराक हवा। आगे चलते हैं, उसके बाद है बुक का सफ़ा नंबर 17 ही यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ पे है अल्फाज को हरूफे तहजी की तरतीब में लिखना है। अल्फाज को हरूफे तहजी की तरतीब में लिखना है, यानी कि इसके लिए हमें सबसे पहले क्या लिखनी होगी? अलिफ पे लिखनी होगी। फिर उसके मुताबिक हम देखेंगे कि अलिफ से कौन सा शुरू होता है, बे से कौन सा शुरू होता है, लफ्ज़ इस लिस्ट में वो मौजूद हैं लफ्ज़, क्योंकि इस तरतीब से हमने लिखने हैं। मैंने तो यहाँ पे लिख के आपको बता दिया, बे से बख्शा है, फिर चे से चांद है, फिर ये है। लेकिन इसको ज़्यादा वजाहत के लिए मैंने आगे एक सफ़ा रेडी किया है, वहाँ पर मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ। यहाँ पे प्यारे बच्चों देखें, यहाँ पर हरूफ तहजी लिखी हुई है। यहाँ पे है अलिफ, अलिफ मद्दा, बे, पे, ते, टे, से। उसके बाद है जीम, चे, हे, खे। उसके बाद दाल, डा, जाल। उसके बाद है रे, अड़े, जे, जे, सीन, शीन, स्वा, स्वा, तुए, जुए, आइन, गाइन, फे, काफ, काफ, घाफ, लाम, मीम, नून, वाव, हे, हमजा, छुटिए, बढ़िए। और अब हमने देखना है कि इसमें से कैसे हमें पता चलेगा कि हमने इसको पहले अलिफ से कोई है कि नहीं है लफ्ज़। तो उसके लिए आप लोग देखें कि अलिफ से है यहाँ पे कोई, नीचे वाले जो दिए हुए लफ्ज़ इसमें से नहीं है, अलिफ मद्दे से भी नहीं है। और ये देखें बे, और यहाँ पे लफ्ज़ है बेख बख्शीन, अलिफशा बख्शा। पहले खाली ब्लॉक में यहाँ से लफ्ज़ उठा के हम यहाँ पे लिख देंगे बख्शा। क्या लिखेंगे? बख्शा। बेख लफा बेख बख्शीन अलिफशा बख्शा। उसके बाद पे से भी नहीं, ते से भी नहीं, टे से भी कोई नहीं है, से भी कोई नहीं है, जीन से भी नहीं है, और यहाँ पे चे है।
चे से है चांद, यहाँ पे लफ्ज लिखा हुआ है सबसे पहले चांद, चे लफ्जा नून दा चांद, चे लफ्जा नून दा चांद। फिर उसके बाद देखें दा, हे खे से भी नहीं है दाल, यहाँ पे दाल से दीन लिखा हुआ है, दाल जेर ये नून दीन, दाल जेर ये नून दीन, दाल डाल जाल से भी कोई नहीं। उसके बाद है रे, रे से यहाँ पे लफ्ज नजर आ रहा है रिस्क, क्या नजर आ रहा है रिस्क, यहाँ पे हम रिस्क लिख देंगे, यहाँ से उठा के रिस्क लिख देंगे। इसके बाद है रे अड़े से, रे से भी कोई नहीं है। फिर सीन, सीन से है सूरज, यहाँ पे सूरज जो है लफ्ज़ हम यहाँ पे सूरज लिखेंगे, सीन पेशवा सू रेजी मिराज सूरज। उसके बाद है शीन से भी नहीं है, स्वाद से भी नहीं, जवाब से भी नहीं, तोए से भी नहीं, जोए से भी नहीं, आइन से भी नहीं, गाइन से भी नहीं, फे से भी नहीं, काफ, काफ डंडे वाले से है करम, काफ जबर रे मीम करम, काफ जबर रे मीम करम, करम यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ ऊपर से उठा के ही लिखना, लेकिन समझ जब तक नहीं आएगी आप नहीं लिख सकोगे। उसके बाद है लाम, काफ घाफ लाम, लाम से भी नहीं है, अब मीम है, मीम से है मेवे, मीम ये मीम ये वो बढ़िए वे मेवे, यहाँ पे हरूफ तरजी में से देखें मीम है तो मीम से मेवे। उसके बाद नून से भी नहीं, वो से भी नहीं, हे से भी नहीं है, हमजा से भी नहीं, छोटी ये से भी नहीं, बड़ी ये से भी नहीं। आगे है दो चश्मी जो मैंने आपको बताई थी ना भारी आवाज़ वाले हरूफ, उसमें था फे फूल, तो यहाँ पे फूल है, तो वो वाला जो फे है ना तो वो आखिरी लफ्ज़ यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इसको आपने बहुत अच्छे से सीखना है, बार बार लिखना है, और इसी को आपने होमवर्क पे भी लिखना है और याद भी करना है। कल नए सबक के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।